हेलो दोस्तों, मैं विवेक और इनटेक इंडिया के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि माइक्रोमैक्स इंडिया में फिर से एक नया स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है माइक्रोमैक्स इन वन। सो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस फोन के बारे में सारा डिटेल्स। सबसे पहले इस फोन के हम डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। 6.67 इंची का फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। इस डिस्प्ले का हम बेजल्स की बात करें तो काफ़ी पतला बेजल्स है और नीचे का भी जो चीन है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पतला है। यहाँ पर दोस्तों ऊपर में हम फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो आपको बिंदी नॉच कैमरा देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छे ढंग से इसे फिट किया गया है, आपका जो डिस्प्ले है उसे अट्रैक्टिव बनाता है। बात करते हैं इस फोन के बैक में तो आपको एक्स पैटर्न के साथ यहाँ पर इसका डिजाइन देखने को मिलता है और इसका जो बैक है मेटलिक डिजाइन है, यानी कि मेटल का बना हुआ है। बात करते हैं इस फोन के हम कैमरा के बारे में तो मेन सेंसर है वह है 48 मेगापिक्सल का, सेकेंड सेंसर है 2 मेगापिक्सल का माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का है डेप्थ। इसमें एक LED फ्लैश भी दिया गया है और फोन के बैक में ही एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। बात करें दोस्तों इस फोन के, आपको नीचे में आपको इन का ब्रांडिंग मिलता है और काफ़ी अच्छा इसका लुक दिया गया है। इस फोन के राइट साइड में एक पावर बटन और उसके ऊपर वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन देखने को मिलता है। फोन के लेफ्ट में मिलता है एक गूगल असिस्टेंट का बटन, साथ में मिलता है एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट जिसमें कि आप 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। फोन के टॉप में एक मिलता है नॉइस कैंसलिंग माइक का जगह और फोन के नीचे में बात करें तो एक मिलता है माइक, 3.5 mm का जैक, USB Type-C का जैक और एक मिलता है स्पीकर ग्रिल। इन सभी चीज़ों के साथ यह स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हुआ है। इस फोन में जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो है MediaTek का Helio G80 का प्रोसेसर। यह ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है और यह काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इसमें आप काफ़ी अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं होगा और इसका जो भी परफॉर्मेंस है काफ़ी नेक्स्ट लेवल का है। बात करते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में तो इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है, साथ में आउट ऑफ द बॉक्स 18 W का चार्जर भी दिया जाता है। दोस्तों यह जो फोन है 2 वेरिएंट के साथ आता है, एक 4GB 64GB, एक आता है 6GB 128GB। इसमें 2 कलर आपको देखने को मिलता है, एक है ब्लू दूसरा है पर्पल, यानी कि यह काफ़ी अच्छा कलर के साथ यह फ़ोन आता है। बात करते हैं इस फोन के हम और कनेक्टिविटी के बारे में तो यहाँ पर ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, वाईफाई का सपोर्ट मिलता है, GPS का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें आप 4G 3G 2G इस तरह के सारा कनेक्टिविटी इसमें दिया जाता है। इस फोन के वेट के बारे में बात करें तो इस फोन का वेट है 195 ग्राम। अब बात करते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में तो इस फोन का जो 4GB 64GB वेरियंट है उसका प्राइस आया है 9,999 रुपया, यानी कि 4th 9। अब यहाँ पर बात करते हैं जो 6GB 128GB वेरियंट है उसका प्राइस आया है 11,499, यानी कि 11,499 रुपया। तो दोस्तों यह जो स्मार्टफोन है जो इस प्राइस रेंज है उसमें काफ़ी बेस्ट यहाँ पर परफॉर्म करने वाला है और यह रेडमी और रियलमी के काफ़ी फ़ोनों को काफ़ी अच्छे ढंग से टक्कर देने वाला है। तो आप इस फ़ोन के बारे में क्या जानते हैं और क्या आप कुछ कहना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में इस फ़ोन के बारे में अगर आपको कोई डाउट भी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो लाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।